अलवर न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक वशिष्ठ के अनुसार राम हेत ने कहा कि ईसरदा परियोजना के फेज सेकंड को स्वीकार किया गया। इस योजना के अंतर्गत अलवर जिले के राजगढ़ कठुमर अलवर ग्रामीण थानागाजी और बांसुर विधानसभा को जोड़ा गया। इसमें 1118 गांवों को पेयजल स्कीम में जोड़ा गया है। योजना में उन्होंने यह ऐतराज जताया है कि अहिरवाल और मेवाल दो बहुसंख्यक क्षेत्र की जनता के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया है। रामहेत ने कहा कि ईसरदा जल परियोजना के फेज सेकंड में सुधार करते हुए बहरोड़ मुंडावर तिजारा किशनगढ़ बास और रामगढ़ विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों और नगर पालिका को इस परियोजना में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस योजना में सुधार करते हुए इन्हें नहीं जोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन चेतना का कार्य करेगा, ज्ञापन देगा और धरना प्रदर्शन करेगा। प्रांत स्तरीय आयोजना समिति की मीटिंग में ईसरदा परियोजना के फेज सेकंड को स्वीकार किया गया। ईसरदा पेयजल योजना के फेज सेकंड में अलवर जिले के राजगढ़ कठुमर अलवर ग्रामीण थानागाजी और बांसुर विधानसभाओं को जोड़ा गया। इसमें 1118 गांव को पेयजल स्कीम में लिया गया है। इस योजना में मेरा ये ऐतराज है कि अहिरवाल और मेवात दो क्षेत्र हमारे जिले के जो बहुसंख्यक लोग रहते हैं, बहरोड़ मुंडावर किशनगढ़ बास तिजारा और रामगढ़ विधानसभा को इस योजना से दूर रखा गया है। मेरा आरोप है मुख्यमंत्री ने अहिरवाल और मेवात क्षेत्र के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है और यहाँ से तिजारा और किशनगढ़ के जो बीएसपी के एमएलए हैं और बहरोड़ से माननीय निर्दलीय विधायक है, रामगढ़ से कांग्रेस है, इसके बावजूद इनकी अनदेखी की गई है। इन्होंने इसमें ठीक से पैरवी नहीं की। अगर ये क्षेत्रीय जनता को इस पेयजल योजना के लिए प्रयास करते तो जुड़ सकते थे, लेकिन ये सभी लोग जीते हुए जनप्रतिनिधि जो बीएसपी से जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, अभी तो इनको कांग्रेसी का नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इन्होंने कांग्रेस का विलय जायज है या इल्लीगल किया है, तो इनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये सरकार में मंत्री बनने के लिए, कोई पद लेने के लिए 2.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, जनता को भूल गए हैं। मैं जनप्रतिनिधियों को और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि अभी समय है, इस परियोजना में फेज टू में ईसरदा परियोजना की पेयजल योजना फेज टू में इस अहिरवाल और मेवात क्षेत्र को जोड़े। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम जो जनता के साथ यहाँ के चुने हुए किशनगढ़ बास के विधायक महोदय ने, तिजारा के ने, बाकी लोगों ने जो नाइंसाफी की, हम जनता को बीच में जाकर बताएंगे। विडंबना है कि बांसुर जो अलवर से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है और खैरतल और किशनगढ़ नगर पालिका जो हमारे इस किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के में है, ये अलवर से मात्र 25 किलोमीटर दूर होते हुए भी इनको नहीं जोड़ा गया। इससे मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 13 जिलों के लिए 37,200 करोड़ का ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उसको ड्रॉप किया है इन्होंने। चंबल के पानी की घोषणा की, उस योजना को अलवर जिले की को ड्रॉप किया है और नई अपनी स्कीम लाए हैं और अहिरवाल के साथ ये नाइंसाफी करना चाहते हैं। हम राजनीतिक रूप से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता के हित के लिए हम संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें जनजागरण अभियान चलाएगा, इसमें ज्ञापन देंगे। प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, सरकार के खिलाफ कोई धरना देना पड़ा तो हम उसके लिए भी अपनी तैयारी करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस गलती को सुधारते हुए इन नासमझ विधायकों को, जिनके कारण ये गलती हुई है, जिन्होंने अपनी इस क्षेत्र की जनता की मांग नहीं की, इनको तरफ ध्यान नहीं करके जनता के हित में फैसला करें। और ये ईसरदा परियोजना की फेज सेकंड है, इसमें बांसुर तो पहले से ही है, बहरोड़ किशनगढ़ बास मुंडावर तिजारा और रामगढ़ के समस्त ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को इस पेयजल योजना में जोड़ा जाए। आप देखिए
जितनी भी जांचे हैं पर्यावरण से संबंधित है, स्वास्थ्य के मामले में जितनी भी रिपोर्ट आई है, अपने भिवाड़ी के आसपास 50 गांवों के अंदर जहरीला पानी पी रहे हैं, लाखों लोग वहां पर रहते हैं, 50 गांव के ग्रामीण लोग रहते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी दे दी, पर्यावरण ने चेतावनी दे दी कि ये जहरीला पानी है, इसको पिया नहीं जा सकता, इसमें कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती है, इसमें हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, इस पानी को भी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है भिवाड़ी और आसपास के। फिर भी इसरदा परियोजना से तिजारा की जनता को, किशनगढ़ की जनता को दूर रखा है, रामगढ़ की जनता को दूर रखा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने सोतला व्यवहार किया है, क्योंकि इन पांचों विधानसभा में सिर्फ रामगढ़ उनके पास है और 2 BSP के लोग जीते हैं तिजारा और किशनगढ़ से, बैरोड से निर्दलीय है, तो ये सरकार बचाने में तो है, लेकिन सरकार बचाने में पद की बजाय जनता के हित की योजनाओं को स्वीकार कराए सरकार पर दबाव बना के, ये मेरा कहना है। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय गहलोत जी को वापस इसमें संशोधन करना चाहिए, पुनः निर्देश देना चाहिए। मैं टीकाराम जूली की भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि राठ में पैदा हुआ, राठ के दूध की जो उसने लाज नहीं रखी, राठ का ख्याल नहीं रखा, राठ के साथ नाइंसाफी को आंख मूंद कर वो देखते रहे, ये उनको भी मैं इसके लिए दोषी मानता हूं। उन्हें मेरा सरकार से आग्रह है, इस योजना को तुरंत स्वीकार करें, अपने कृत्य के लिए माफी मांगे, जनप्रतिनिधि इस अनदेखी के लिए, गलती के लिए, भूल सुधार के लिए जनता से माफी मांगे, पेयजल योजना को स्वीकार कराएं, वरना एक जन आंदोलन होगा। आप सब जानते हैं कि अभी बहुत भयंकर गर्मी का समय में जिस तरह से गांव में भी पीने का पानी नहीं है, और जो शहरी क्षेत्र है वहां तो और बुरा हाल है, ठीक से प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए इस परियोजना को, अलवर जिले के भविष्य को ध्यान में रखते इस सरदा परियोजना में इन 5 तहसीलों को जोड़ा जाए, ये मेरा आग्रह है।